नमस्कार, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ऑनलाइन स्टडी की इस यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्टर संतोष कुमार भारती, सहायक आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान मानविकी विद्या शाखा से आज आपके लिए जो इकाई लेके आया हूँ वो है संदर्भ एवं सूचना स्रोत, परिचय एवं महत्व। हम आज ये जानेंगे कि सूचना क्या होता है, सूचना स्रोत क्या होता है, संदर्भ स्रोत क्या होता है, इसका एक संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे, विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं हमें, श्रेणी क्या है, प्रकार क्या है और इसके महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस लेक्चर के बाद आप इन सभी चीजों के बारे में जान जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले पृष्ठ पे। सूचना स्रोत, सूचना स्रोत, सूचना क्या होता है? सूचना ज्ञान, साहित्य, आंकड़े, तथ्य, अवधारणा। ज्ञान से हमें सूचना प्राप्त होती है। जैसे कि पुराने समय में गुरुकुल पद्धति में गुरु अपने शिष्य को ज्ञान मौखिक रूप से प्रदान करता था, तो वो भी एक ज्ञान है, वो भी एक सूचना है। साहित्य है, साहित्य जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य में भी हम किताबों से उस सूचना को प्राप्त करते हैं। आंकड़े, तथ्य, अवधारणाएं, इन सभी से मिलकर सूचना बन जाता है। सूचना हमें कहां से मिलता है? इन सभी चीजों से हमें सूचना मिलता है। उसके बाद हम इस सूचना को संप्रेषित करते हैं। संप्रेषित जब हम करते हैं तो वो सूचना या तो लिखित होता है या तो मौखिक होता है। मतलब कि हम ये सभी ज्ञान, साहित्य, आंकड़े, तथ्य, धारणा, इन सभी से जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं उन सभी सूचनाओं को हम या तो लिखित या तो मौखिक, इसी के माध्यम से हम उसे संप्रेषित करते हैं दूसरों की तरफ। तो यही हमें यही कहलाता है सूचना स्रोत। इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं कि सूचना होता क्या है। सूचना वस्तुतः ज्ञान का वह स्वरूप और मात्रा होता है जिससे किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होती है और ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यही है कि जो भी हम सूचना प्राप्त करते हैं उससे हम किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। किसी भी निर्णय पे, कोई भी जानकारी जब हमें मिलती है तो हम उससे हम किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, यही सूचना होता है। कई विद्वानों ने अपने अनुसार सूचना को परिभाषित किया है, जिसमें विवर ने कहा है कि बाह्य जगत के साथ साथ जो विनिमय होता है और जब हम इससे सामंजस्य स्थापित करते हैं और सामंजस्य का अनुभव करते हैं उसकी विषय वस्तु को सूचना कहते हैं। वेवर के अनुसार क्या है? किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। किसी भी, यहां पे साफ लिखा हुआ है कि किसी विषय से संबंधित जो तथ्य हमें मिलते हैं वो सूचना कहलाते हैं। जे एच शेयर्स के अनुसार क्या है? सूचना का उपयोग जिस रूप में जैव वैज्ञानिक इन पुस्तकालय कर्मी करते हैं उसे तथ्य कहते हैं और ये उस उत्तेजना है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, इनके कहने का आशय क्या है? इनके कहने का आशय ये है कि जीव विज्ञानी जैसे किसी वस्तु या किसी भी चीज से वो एक सूचना प्राप्त करते हैं और वो सूचना कैसे मिलती है? हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से मिलती है। सूचना स्रोत, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है अतः स्वभावतः जिज्ञासु भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य हमेशा से ही कुछ हर चीजें जानने की इच्छा रखने वाला था, जिससे कि उसे जानने, उसे सूचनाओं को प्राप्त करने, सूचना लेने की, ज्ञान प्राप्त करने, तथ्य लेने, आंकड़े लेने की उसके अंदर एक जिज्ञासा हमेशा से रहती है। तो ये स्रोत उसकी जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं तथा किसी न किसी प्रकार की नई सूचना देते हैं, इसी कारण इसे सूचना स्रोत कहते हैं। मतलब कि जब भी हम कोई सूचना किसी स्रोत से, मतलब स्रोत का यहाँ पे आशय क्या है, किसी भी जगह से हम जब प्राप्त करते हैं लिखित एवं मौखिक रूप से, तो वो हमें सूचना स्रोत कहलाता है।
ठीक है, यहां से सूचना प्राप्त होती है वे सूचना स्रोत कहलाती हैं, अतः ये सूचनाएं सामान्य व विशिष्ट ग्रंथों से, ग्रंथ सामान्य व विशिष्ट ग्रंथ का मतलब क्या हो यहाँ पे, सामान्य एवं विशिष्ट ग्रंथ का मतलब ये है कि जैसे कि हम इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, यहां से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ये एक विशिष्ट ग्रंथ हो गया, जर्नल हो गया, बुक हो गया, आर्टिकल हो गया, यहां से जो हम प्राप्त करते हैं एक सामान्य हो गया, या अपनी हस्तलिखित जो जैसे कि हम कह सकते हैं कि अपने हाथों द्वारा लिखे जो हमारी एक लिखित पुस्तक होती है, हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो नोट्स बनाते हैं, ये नोट्स भी एक तरीके का सूचना का माध्यम होता है। अब संदर्भ स्रोत क्या है? संदर्भ स्रोत किसी विषय या तथ्य की स्पष्टीकरण व पुष्टिकरण करने में जो पुस्तक तत्काल सहायक होती है उसे संदर्भ स्रोत कहते हैं। जैसे कि हम अपनी लाइब्रेरी में ये देखते हैं कि ढेर सारी किताबें होती हैं जिसमें से एक होता है इंसाइक्लोपीडिया, एक होता है डिक्शनरी, एक होता है अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया, रेफरेंस सर्विस में भी कुछ किताबें होती हैं जैसे कि उसमें जर्नल हो गए, आर्टिकल्स में जैसे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हो गए, और जैसे गजट हो गया, इस तरीके की सारी चीजें सूचना संदर्भ स्रोत कहलाती हैं, रेडी रेफरेंस सर्विसेज के अंदर आते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है कि संदर्भ पुस्तक ज्ञान सूचना का संकलन एवं संगठन इस प्रकार से करती है कि अभीष्ट सूचना तत्काल एवं विशद रूप से सामने प्रस्तुत होती है। इसका मतलब यह है कि हम संदर्भ स्रोत हम लेते हैं, रखते हैं अपनी लाइब्रेरी में, इसी कारण कि जिससे हमें जो भी सूचना हमें चाहिए वो हमें तत्काल और शीघ्र हमें वो मिल सके। लुईस सोर्स कहते हैं कि संदर्भ पुस्तक किसी विशेष सूचना की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई जाती है। सी एस विंसन के अनुसार कहा गया है कि संदर्भ ग्रंथ किसी निश्चित अंश को संदर्भित करने या परामर्श के लिए है। मतलब कि संदर्भ स्रोत हमें क्या काम करता है, वो हमें परामर्श की तरह इस्तेमाल होता है, संदर्भ संदर्भित करता है कि हमें इस जगह से भी हमें मिलेगा। जैसे कि बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी हमें क्या बताता है, बिब्लियोग्राफी हमें यह बताता है कि जो भी सूचना है वो हमें इस बिब्लियोग्राफी से या सोर्स से हमको मिलेगा। गेट के शब्दों में संदर्भ ग्रंथ किसे कहते हैं, किसी भी विषय, किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी आदमी, किसी स्थान, किसी शब्द से संदर्भित जो भी सूचना या सहायता के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये सभी संदर्भ स्रोत कहलाता है। संदर्भ स्रोत की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है तथ्यों के आधार पर, दूसरी वर्णित विषय में कोई निरंतरता नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जब भी हम इंसाइक्लोपीडिया या किसी भी तरह के संदर्भ स्रोत को जब हम देखते हैं तो वो किसी एक नियमित तरीके से नहीं होता। जैसे हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर उसको लिखा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वो संदर्भित नहीं होता, वो कोई भी, वो अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, वो कहीं से भी कोई भी टॉपिक हमें मिल जाएगा उसमें, मतलब वो एक वर्णित विषय में नहीं होता, वो अलग अलग विषय में होता है। दूसरा, सामान्य ग्रंथों की अपेक्षा संदर्भ ग्रंथ की प्रामाणिकता अधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम संदर्भ ग्रंथ को हम लेते हैं तो वो जब संदर्भ ग्रंथ लिखा जाता है तो उसे कई ऑथर मिलकर लिखते, कई प्रवक्ताओं के साथ मिलकर एक कमिटी बना के उसको पारित किया, उसको लिखा जाता है, तो उसकी जो प्रामाणिकता होती है वो सामान्य ग्रंथों से ज्यादा अच्छी होती है, अधिक होती है। दूसरा, सूचनाओं का आकार लघु विस्तृत होता है जिसके परिणाम स्वरूप इसका अवलोकन करने में कम अथवा ज्यादा समय लग सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो संदर्भ ग्रंथ होता है वो किसी सामान्य पुस्तक की तरह नहीं होता, ये होता है एक मतलब इसमें जो जानकारी होती है ये जानकारी हमें कम समय में हम उसका अवलोकन कर सकते हैं। अवलोकन का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि हम उसे पढ़ सकते हैं, उसको हम सरसरी निगाह से देख सकते हैं, वो सारी चीजें। व्यवस्थापन सामान्यतः वर्णानुक्रमानुसार होता है। इसका मतलब, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि
ये अल्फाबेटिकल तरीके से अरेंज होता है, जैसे ए फिर बी सी फिर डी, ऐसे ही अल्फाबेटिकल क्रम में इसको लिखा जाता है, रखा जाता है उसमें। किसी भी विशिष्ट विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए रचा जाता है। जैसे कि अगर हम इंसाइक्लोपीडिया उठाते हैं, अब अगर हम इंसाइक्लोपीडिया में हम ढूंढते हैं कि लाइब्रेरी के बारे में क्या होगा, तो हम लाइब्रेरी में कैसे जाएंगे, हम जाएंगे अल्फाबेटिकली और जाएंगे कहाँ, एल लेटर के पास। जब हम एल लेटर पे जाएंगे तब हम उसमें देखेंगे कि वो लाइब्रेरी भी दिखाता है या लोकेशन दिखाता है, लेजिस्लेशन दिखाता है या लिंग्विस्टिक दिखाता है, ये सारी चीजें हमें उस एल वर्ण क्रमानुसार में हमें मिलेंगी। तो ये क्या होता है, ये एक विशिष्ट जानकारी हमें प्राप्त करने में सहायता करता है। इस ग्रंथ का उपयोग पुस्तकालय के प्रांगण में किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको संदर्भ ग्रंथों को इशू मतलब आपको दिया नहीं जाता, आपको आपको मतलब घर के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये हमेशा आप लाइब्रेरी के प्रांगण में मतलब लाइब्रेरी में बैठ कर ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप लेके नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट, इसे आरंभ से अंत तक नहीं पढ़ा जाता। इसका मतलब क्या है, मतलब साफ है कि जब ये वर्णानुक्रम में होता है तो हम इसको मतलब किताबों को जैसे हम करते हैं, किताबों को हमने शुरू किया और एक पूरी किताब हमने पढ़ के खत्म कर ली, क्यों, क्योंकि उस पूरे किताब में उसी विषय के बारे में जानकारी दी होती है। लेकिन संदर्भ स्रोत में ऐसा नहीं होता, उसमें यह होता है कि वो अल्फाबेटिकल होता है और सब्जेक्ट हमेशा एक टॉपिक के बाद हमेशा बदलता रहता है, मतलब कि एक टॉपिक हमने पढ़ा, दूसरा कोई दूसरा टॉपिक आएगा, किसी दूसरे सब्जेक्ट से आएगा, कभी वहां से आएगा, तो ये सारी चीजें उसमें अलग अलग सब्जेक्ट से आएंगे, तो वो उसमें एक जैसा नहीं होता, ठीक है। अब विलियम स्कॉटर्स के अनुसार जो संदर्भ स्रोत की है उसकी एक विशेषता इन्होंने अलग तरीके से बताई है। कैसे बताया है इन्होंने, अपनी एक विशेषता बताई है कि जो भी संदर्भ स्रोत होते हैं उसमें जो भी विषय होते हैं उसमें तथ्यों पे प्रकाश डाला जाता है, ये इस पे इन्होंने बहुत ही गंभीर मतलब मजबूती से इन्होंने बताया है कि तथ्यों पर विशेष प्रकाश डाला जाता है, जो भी उसके अंदर तथ्य या सूचनाएं होती हैं वो तथ्य के आधार पे होती हैं। दूसरा, निहित विषय का विवेचन सरसरी दृष्टि से किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भी विषय हम उसमें रखते हैं उसे हम पूरे मतलब उसे हम शुरू से अंत तक नहीं पढ़ते, उसको हम क्या है, हम इसे सरसरी निगाह से उसको देख लेते, उसके डेटा को देख लेते हैं और वो हमारा काम होता है, उससे तत्काल एवं सुविधानुसार प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या है कि संदर्भ स्रोत हमें हमारी सुविधा अनुसार लिखा जाता है। इसका मतलब कि अगर हमें जैसे मान लीजिए हमें लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, तो क्या है, हम लाइब्रेरी में गए, एडमिनिस्ट्रेशन पे आए और हमने वहां से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया, तो ये क्या है, हमें तत्काल एवं सुविधाजनक प्रयोग का एक माध्यम बन जाता है। उसके बाद संयोजन साधारण एक निश्चित योजना के अनुसार होता है, मतलब इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखने का भी एक योजनाबद्ध तरीके से इसको लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल जो इसका तरीका होता है, ठीक है। इसी पे विलियम स्कर्ट्स ने के अनुसार जो संदर्भ स्रोत की विशेषता है इन्होंने अपने इन्हीं चार विशेषताओं पर इन्होंने फोकस किया था। आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ में, संदर्भ स्रोत की आवश्यकताएं क्या है। पहली आवश्यकता है सामाजिक, सामाजिक दृष्टि से संदर्भ स्रोत कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझिए। अब आप समझिए एक उदाहरण से कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है, अगर आपको यूएस जाना है, यूके जाना है या भारत के किसी अन्य राज्य में जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप वहां के घूमने के जो किताब क्या गजट, उसे गजट कहते हैं, गजट को आप उठाएंगे, हाँ, तो उसे आप देखेंगे कि उस एरिया में कहाँ पे घूमने की क्या क्या जगह है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है उसकी, वहाँ पे आपको फेयर कितना देना है, ये सारी जानकारी आपको होती है, तो ये समाज के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, शैक्षणिक दृष्टि से, ये शैक्षणिक दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कैसे, जब भी आप
इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, लैक्सोपीडिया और ऐसी चीज़ों को जब आप माइक्रोपीडिया, प्रोपीडिया, इन सारी चीज़ों, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, इन सभी चीज़ों का जो उपयोग है ये शैक्षणिक दृष्टि से होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं व्यावसायिक एंड औद्योगिक दृष्टि से क्या है। व्यावसायिक और औद्योगिक दृष्टि से ट्रेड बिब्लियोग्राफी आता है, पेटेंट आता है और इंडस्ट्रियल मैगजीन आता है इसके अंदर। साहित्य, साहित्य की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे कि जब हमें किसी की बायोग्राफी जानना होता है, बायोग्राफी मतलब उनके द्वारा लिखित उनकी जीवनी होती है, तो हम उस जीवनी को हम पढ़ते हैं संदर्भ स्रोत से और पढ़ने के बाद उसे हम अपने साहित्य में इस्तेमाल करते हैं। तो ये उस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो संदर्भ स्रोत हमारे साहित्य में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, तीव्र सूचना खोज, मतलब कि अगर हमें किसी तरह की जानकारी चाहिए जो हमारे तत्काल विषय के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए भी हमें संदर्भ स्रोत बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोरंजन, मनोरंजनात्मक दृष्टि से भी संदर्भ स्रोत। अब कैसे कि हमें जानना है कि समझिए कि आईफा अवार्ड में किसने जीता, तो ये हमें, ये जानकारी हमें मिलेगी कहाँ से, या हमें किसी प्रतियोगिता प्रायोगिक परीक्षाओं में या हमें कंपटीशन के एग्जाम में हमें इस तरीके की जानकारी मिलती है, हम ये कहाँ से ढूंढेंगे, ये हमें मिलेगा करंट अफेयर जैसे संदर्भ स्रोत से। वहाँ से भी हम अपनी सारी चीज़ें ले पाते हैं, हम वहाँ भी जाते हैं और हमें मनोरंजन का एक कॉलम दिखता है, हम वहाँ से अपने इस सूचना की पूर्ति हम वहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्रेणी क्या होता है। श्रेणी मतलब प्रकार, एक तरीके से हम कह सकते हैं। सूचना स्रोत वे स्रोत हैं जहां से सूचना प्राप्त हो सकती है, वे कोई ग्रंथ या कोई व्यक्ति या कोई संस्था हो सकती है, ठीक है। तो सीडब्ल्यू हैंसन के अनुसार क्या है, सीडब्ल्यू हैंसन के अनुसार दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रालेखिक स्रोत, दूसरा अप्रालेखिक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। एक और ऑथर हैं जिन्होंने समझाया है कि डेनिस ग्रॉगन ने कहा है 1958 में कि सूचना स्रोत तीन प्रकार का होता है, पहला प्राथमिक स्रोत, दूसरा द्वितीयक स्रोत और तीसरा तृतीयक स्रोत, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्रोत। रंगनाथन ने भी समझाया है, रंगनाथन के आधार से क्या है, रंगनाथन ने बताया है परंपरागत स्रोत, अपरंपरागत स्रोत, नव परंपरागत स्रोत और मेटा स्रोत। इस स्रोत के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में विस्तार से समझाऊंगा कि ये होता क्या है, लेकिन आप बड़े ही सूक्ष्म से आप समझिए कि ये होता क्या है। देखिए, सूचना को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है डॉक्यूमेंट्री, दूसरा होता है नॉन डॉक्यूमेंट्री, प्रलेखित स्रोत और अप्रलेखित स्रोत। हाँ, प्रलेखित स्रोत मतलब जो लिखित रूप से हमें मिल जाता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध होता है। ये इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर देखिए ये आता है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, मतलब प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्शियरी स्रोत। ये तीनों स्रोत हम डॉक्यूमेंट्री स्रोत के अंदर में हम पाते हैं। प्राइमरी स्रोत क्या होता है, प्राइमरी स्रोत का मतलब हम आपको संक्षिप्त में बताएं कि प्राइमरी स्रोत का मतलब जहां से पहली बार इंफॉर्मेशन निकलता है, मतलब पहली बार वो सूचना समाज में आता है। जैसे एक एग्जांपल, जब भी हम कोई शोध पत्र लिखते हैं, तो शोध पत्र जब हम लिखते हैं तो लिखने के बाद जब वो पब्लिश होकर, प्रकाशित होकर जब आता है, तो वो स्रोत कहलाता है प्राइमरी स्रोत, ठीक है। द्वितीयक स्रोत क्या होता है, अब उस स्रोत को हमने कहां पे रखा, जैसे बिब्लियोग्राफी हो गया, बिब्लियोग्राफी को हम द्वितीयक स्रोत के रूप में समझ सकते हैं कि हमने किसी शोध पत्र को पढ़ा, उस शोध पत्र में क्या होता है
कि उसमें पीछे उसके संदर्भ दिए होते हैं कि कहाँ से हमने लिया है, किस आर्टिकल को किस जगह से लिया, उसको हम कहते हैं रेफरेंस। तो उस रेफरेंस की सहायता से हम कहाँ पहुँचते हैं, उस स्रोत पे पहुँचते हैं जहाँ से शोध पत्र को लिखा गया है या आइडिया लिया गया है। तो उस स्रोत तक पहुँचना मतलब वो हमारा द्वितीयक स्रोत हो गया, ठीक है। अब तृतीयक स्रोत में क्या आता है, और इसमें अभी इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, इसके बारे में हम बड़े विस्तार से अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जानते हैं तृतीयक स्रोत क्या होता है। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, मतलब कि जहां से हमें उस संदर्भ का, उस रेफरेंस का भी रेफरेंस हमें मिलता है, ये हमें कहलाता है। मतलब हमें एक रेफरेंस तक पहुंचने के लिए जब हम कोई सी दूसरे रेफरेंस के माध्यम से हम पहुंचते हैं पहले रेफरेंस तक, तो ये हमारा तृतीय स्रोत कहलाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है, प्रलेखिक स्रोत में औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। मतलब क्या हो गया यहां पे, औपचारिक स्रोत का मतलब होता है कि जो औपचारिक रूप से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ये औपचारिक स्रोत हो गया। और अनौपचारिक स्रोत का मतलब क्या हो गया, अनौपचारिक स्रोत का मतलब ये हुआ कि जो हमें फॉर्मल तरीके, मतलब हमें जैसे एक एग्जांपल है, जैसे कि आप में से कोई स्टूडेंट हमें हमसे पूछ लेता है कि सर ये क्या हो गया, और मैंने भी आपको ऐसे ही बिना किसी लिखित प्रमाण के आपको बता दिया कि ये क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने हमसे पूछा सर हमें ये बताइए कि सूचना स्रोत में और क्या क्या होता है, तो मैंने भी आपको मौखिक रूप से बता दिया कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जब बता दी तो ये क्या कहलाता है, अनौपचारिक स्रोत कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके महत्व क्या है, संदर्भ स्रोत के महत्व क्या है। पहला, अनुसंधान को सफल बनाना, मतलब हम किसी भी तरह के अनुसंधान को जब करते हैं उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं सहायक सूचना स्रोत होता है। सूचना का प्रसार हम करते हैं, संदर्भ सूचना स्रोत की सहायता से हम एक सूचना को दूसरी सूचना तक पहुंचाते, ये काम करता है। अनुसंधान की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यूएस में कोई एक लेक्चर हो गया या यूएस में कोई एक शोध हो गया और वो शोध हम भी अपने यहाँ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसी शोध को दोबारा करना। लेकिन जब हमें वहां के शोध पत्र की प्राप्ति हो जाएगी, उसे हम अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम उसी तरह का शोध नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कुछ नया शोध करेंगे, कुछ नया हम उसमें अनुसंधान करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पुनरावृत्ति को रोकता है, मतलब फिर से उसी शोध को करने से हमें रोकता है, हमें कुछ नया करना करने के रास्ते पे बढ़ाता है, ठीक है। पाठकों को वांछित विषय से संबंधित सूचना प्रदान करता है, नवीन सूचना प्रदान करता है, लुप्त विषयों को जीवंत रखता है, मतलब पाठकों को वांछित सामग्री खोजने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है सूचना संदर्भ स्रोत, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।